हरियाणा के रेवाड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने पीएम मोदी के वादे को दोहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि 40 वर्षों से हमारे सेना के जवानों द्वारा की जा रही वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा करेंगे और उन्होंने अपना ये वादा पूरा किया। वहीं उन्होंने बताया कि एक महीने पहले वन रैंक वन पेंशन का तीसरा वर्जन भी लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही गृहमंत्री ने हरियाणा की जनता से वादा किया कि हरियाणा का अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। मुझे याद है मोदी जी ने 2014 के प्रचार की शुरुआत यही हरियाणा से की थी, यही से, और उन्होंने वादा किया था कि 40-40 साल से वन रैंक वन पेंशन का जो मांग हमारे सेना के जवानों का, उनके परिवारजनों का है, उसको हम पूरा करेंगे। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 2015 में वन रैंक वन पेंशन देने का काम कर दिया। एक महीने पहले वन रैंक वन पेंशन का तीसरा वर्जन भी लागू करने का काम हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हरियाणा वालों, मैं आज आपके बीच में वादा कर जाता हूं, हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा, भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर जितने भी अग्निवीर आएंगे वो सभी को पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी देने का नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। और ये 10 साल के अंदर हरियाणा में भ्रष्टाचार का नामो निशान समाप्त कर, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 24 क्रॉप खरीद रही है, 24 के 24 क्रॉप खरीद रही है। हरियाणा में कांग्रेस के नेता एक बार बता दे, देश में आपकी कौन सी सरकार 24 के 24 क्रॉप खरीदती है? भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी है, किसान को अपने खेत में जो बोना है वो बोए, उसको खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। अगर हम सरकार में आते हैं, आप आशीर्वाद दोगे या नहीं दोगे? पक्का दोगे ना? तो भाजपा सरकार बनने के बाद रेवाड़ी में सबसे बड़ी सरसों तेल की कोऑपरेटिव फैक्ट्री डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। राव तुलाराम से लेकर अभी तक जितने भी शहीद हुए हैं वो आजादी के मतवालों के लिए सैन्य संग्रहालय हमारे रेवाड़ी में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक विश्वकर्मा महाविद्यालय बनाएंगे और पहले 6 महीने में रेवाड़ी में नया मेडिकल कॉलेज की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर गांव में महिला चौपाल बनाएंगे, दंगल के लिए अखाड़ा बनाएंगे, ओलंपिक खेल नर्सरी बनाएंगे और एक अत्याधुनिक 2500 की कैपेसिटी वाला बड़ा सभागार बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हरियाणा की हर महिला को 2100 रुपये का चेक हर महीने भेजा जाएगा। आईएमटी खरखोदा की तर्ज पर रेवाड़ी में भी औद्योगिक शहर बनाया जाएगा। अब तक मोदी जी 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत योजना में देते हैं, सरकार बनने के बाद 5 लाख की जगह 10 लाख तक का इलाज फ्री हो जाएगा।
और जो बुजुर्ग है उनके लिए 5 लाख एक्स्ट्रा दिया जाएगा। 24 फसलों को खरीदने का हम चालू करेंगे। 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, अप्रेंटिस को स्टाइपेंड देंगे और गरीबों के लिए 5 लाख आवास बनाएंगे। भाइयों बहनों, ये तीनों सीटें आप भाजपा की झोली में डाल दीजिए, हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भाजपा की सरकार राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।